वेदांत भक्ति चैनल के माध्यम से अपने झांसी शहर की एक उस हस्ती से रूबरू करा रहा हूँ जिन्होंने बालकाल से बांसुरी का अध्ययन शुरू किया और बांसुरी में कई विधाओं को बजाते हैं। विजय सिंह जी जिनका नाम है, अभी अभी जो दूरदर्शन ग्वालियर पर अपनी प्रस्तुति देखा है, आप सबके सम्मुख मैं अपनी बांसुरी के जादू से मोहित करेंगे और मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के झांसी के आसपास के कलाकारों को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। आज यह बांसुरी पर रागधानी राग तीन ताल में प्रस्तुत कर रहे हैं। रागधानी सर्वकालीन राग है और काफी ठाट से यह राग उत्पन्न हुआ है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ विजय सिंह जी से। नमस्कार साहब। सभी श्रोताओं को राजधानी की एक छोटी सी प्रस्तुति दे रहा हूँ। तीन ताल में निबद्ध है ये राग, जो है सर्वकालिक है और काफी थाट से लिया गया है इसको। वैसे पंडित जी ने जो कुछ भी बताया ठीक ही बताया, लगभग बालकाल से ही 9-10 साल से ही मैंने बांसुरी बजाना शुरू किया था और लगातार बजा रहा हूँ। BHEL में मैंने नौकरी भी की, इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ हूँ तो समय काफ़ी कम मिल पाता था, लेकिन उसके बावजूद भी जितना समय मिल पाया रियाज चालू रखा। हमारे गुरुदेव श्री स्वर्गीय RP शर्मा जी, इन्होंने बहुत कुछ देना चाहते थे, बस फर्क इतना रह गया कि हमारी जो झोली छोटी पड़ गई। जितना हम उनसे ले पाए उसमें से एक थोड़ा सा अंश आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, कोई गलती हो तो। जैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बांसुरी बजाते समय जी हाँ, आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ, जैसे तो स्वयं कृष्ण भगवान ने बजाई जिससे सब लोग मोहित होते थे जी, तो ऐसा कोई अनुभव हुआ है कहीं बजाते हुए आपको अपनी बांसुरी में? ऐसा अनुभव तो अक्सर होता ही रहता है, कभी इसमें अगर डूब जाए बजाने लगे तो मन सीधा वृंदावन में ही पहुंच जाता है और सामने बस कृष्ण भगवान की छवि दिखाई देती है, गोपियां नृत्य कर रही हैं उनके सामने और मधुर बांसुरी बज रही है, बस इसी में खो जाना है। तो मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ छोटा सा, कि बांसुरी बजाने का आपके मन में प्रेरणा कैसे हुई? सर्वप्रथम बांसुरी कि प्रेरणा कैसे हुई है आप हमारे वेदांत भक्ति चैनल के दर्शकों को बताने की कृपा करें। अवश्य अवश्य। हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताश्री बांसुरी बजाते थे, क्लासिकल तो नहीं बजाते थे, लाइट बजाते थे, लेकिन इतनी मधुरता थी उनके बजाने में कि बस वहीं से मन में ये शुरुआत हुई कि बस बांसुरी ही सीखना है। और मैंने भी धीरे धीरे पहले सीधी बांसुरी बजाना शुरू किया, क्योंकि ये आड़ी वाली बांसुरी तो बजती नहीं थी, फूक नहीं लगती थी, बहुत छोटे थे, 8-9 साल के ही रहे होंगे। लेकिन शनय शनय जैसे जैसे बड़े हुए फिर शास्त्रीय संगीत की तरफ रुख किया और आड़ी बांसुरी बजाना शुरू किया। शुरू में बड़ी दिक्कतें पेश होती थी कि मिलती नहीं थी बांसुरी, कहीं जाना होता था बड़े शहरों में, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता वगैरह, तो वहाँ से जो मिल जाता था ले आते थे। ऐसे कोई ऑनलाइन भी नहीं होता था कि भाई मंगा ले, उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। कुछ कई बार फाइबर की हमने स्वयं अपने हाथों से भी बनाई, कभी सक्सेस होती थी कभी नहीं भी होती थी, चलता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, हर तरह की बांसुरी अवेलेबल है। अब इतना भागदौड़ नहीं करना पड़ता है आजकल के बच्चों को, इतना हमने जितना किया है मेहनत किया है, अब आजकल के बच्चे हैं वो तो आसानी से उनको ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, इनके लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता था। तो अब सभी दर्शक लोग अपना दिल थाम के बैठे, क्योंकि अब हमारे सामने वो जादू, वो उंगलियों का जादू दिखाने वाले हैं विजय सिंह जी, जिनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं जगदीश जी,
जो कि बुंदेलखंड के खाती प्राप्ति करना वादा थे। अगली मुलाकात हम आपसे इनकी अवश्य कराएंगे, इनके तबले का, इनके उंगलियों का जादू भी आपको कुछ समय पश्चात ही हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों ने आपकी बांसुरी सुनी और हर एक स्वर पर हमारे वेदांत भक्ति चैनल के दर्शकों के मन में भक्ति की तरंगे उठी, वह भी वृंदावन पहुंचे। हमारे बीच ऐसे कलाकार हैं, आपके सामने छोटी सी प्रस्तुति विजय सिंह जी और बांसुरी पर दर्शक चाहते हैं कि छोटी प्रस्तुति आप और दें। अब आप क्या बजाएंगे इसमें? रागे मन में एक भजन पेश कर रहा हूँ, फिल्मी भजन है। अभी आप लोगों को शास्त्रीय संगीत का आनंद दिया, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने एक थोड़ा सा लाइट भजन पेश करूँ। बोल है, जय रघुनंदन जय श्री राम। वाह, भक्तिमय दीपावली के शुभ अवसर पर प्रभु रघुनंदन का नाम है जो अयोध्या में विराजमान है, और इस गीत का आप लोग, इस भजन का, प्रभु के नाम का आप लोग सभी दर्शक आनंद लें। जय श्री राम, जय श्री राम।
पहले कृष्ण में हुआ, अब सारे दर्शक राम में हुए। ये आज वेदांत भक्ति चैनल के सारे दर्शक आपसे कह रहे हैं कि कोई छोटा सा बांसुरी का छोटा सा राग एक और सुना है, क्योंकि दर्शकों का भी मन नहीं भरा है। तो हम विजय सिंह जी से आग्रह करते हैं कि छोटा सा राग बताएं। राग झिंझोटी में एक दो मिनट की पेशकश छोटे से कर रहा हूँ, ताल गहरवा में मध्य लय में। सभी दर्शक अपना दिल थाम के बैठे हैं, क्योंकि अब विजय सिंह की बांसुरी का जादू सारे दर्शकों के मन मस्तिष्क पर छा गया है। आपने राग झिंझोटी दर्शकों ने विजय सिंह द्वारा बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी, राग सुने। सबसे पहले तो आप वेदांत भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हमारी ऐसी शख्सियत आपके सामने है, और इसी तरीके की शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हम झांसी के उन कलाकारों को आपके सामने पेश करेंगे जो झांसी में उभरती प्रतिभाओं को भी निखार रहे हैं। तो
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सिंह साहब, कि जो जिस तरह आप अपने पिताजी से प्रेरणा लेके बांसुरी सीखी है जी, तो आप भी बांसुरी की शिक्षा क्या अपने कुछ शिष्यों को दे रहे हैं जिससे ये परंपरा आगे बढ़े, जरा बताएं। मैंने कुछ शिष्य चुने हैं जो बांसुरी में विशेष इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि मैं उनसे कुछ पारिश्रमिक नहीं लेता हूँ और मेरा सिखाने का उद्देश्य यह है कि मैंने भाई गुरुओं से जो भी कुछ भी प्राप्त किया है इन 50 सालों में वो मैं अपने साथ ना ले जाऊं, और जो भी उसके लिए सुपात्र हैं मैं सबका सब उनको दे के जाऊं। वो अगर सीख जाएंगे और कहीं अच्छा बजाएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, तो वही मेरी फीस, वही मेरी दक्षिणा, वही मेरे लिए सब कुछ होगा। इसलिए जो भी सुपात्र सीखना चाहते हैं बच्चे, समय पास ना करने वाले हों, समय पास करने वालों से मुझे भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। जो एक्चुअल में जो सीखना चाहते हैं मैं उनको बिल्कुल, वो सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय आए, किसी भी समय आए, कितनी भी देर सीखना चाहे, मैं उनके लिए तैयार हूँ। कौन कहता है भारत में गुरुकुल नहीं है, कौन कहता है भारत में गुरु नहीं है? ऐसे विजय सिंह जैसे महान जो निःशुल्क विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, जो भी विद्यार्थी बांसुरी का अध्ययन करना चाहते हैं, बांसुरी का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो अवश्य इनसे मिले और उसमें फोन नंबर पर इन पर संपर्क करें। वेदांत भक्ति चैनल के इनके इस एपिसोड में फोन नंबर भी इनका दिया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि अपने वंशानुगत परंपरा को, भारत की वंशानुगत परंपरा को, चाहे बांसुरी हो, चाहे तबला हो, चाहे सितार हो, संगीत भारत से निकला हुआ है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में संगीत का बखान है, बकाया शायद किसी ग्रंथ में संगीत का बखान हो, लेकिन भारत के वेदों में संगीत का बखान है, शास्त्र पे संगीत है। अंत में हम सभी दर्शकों से विदाई लेते हैं और अगले कलाकार से हम रूबरू बहुत ही जल्द आपसे कराएंगे। श्री राम। दीपावली की वेदांत भक्ति चैनल की तरफ से, बकाया विजय सिंह की तरफ से, जगदीश जी की तरफ से, मैं पाठक बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली के प्रेम से दीप जलाएं। दीप भी दीपावली में कैसे जलाना है, ज्ञानमय दीप जलाएं और ऐसा ज्ञानमय दीप जलाएं कि अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपनी राष्ट्र की सेवा में, भक्ति में हम लोग लगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।